तो क्या कहूं, कैसे समझाऊं, हम नॉर्मल हालात में नहीं हैं। वो दौर आ चुका है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम पर कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे भूखा इंसान खाने के प्याले पर टूट पड़ता है। आ चुका वो वक्त, आ चुका, आ चुका, आ चुका। किस चीज के इंतजार में हो तुम? गैरत नहीं जाग रही? खबरें पढ़ते हो और लग देते हो अखबार। आज फला जगह मार मार के पीट पीट के हलाक कर दिया गया, आज नौजवान को मारा गया, आज बूढ़े को मारा गया, आज मुअज्जिन को मारा गया, आज इमाम को मारा गया, आज एक औरत को मारा गया। कोई अंदर से जूनी रही थी तुम्हें तो कब्रिस्तानों में को जाके बसाना चाहिए। जिंदा कौमें इस तरह की होती हैं। हकीर तरीन बस तरीन मसाइल में अल्लाह तुमको उलझा देंगे अगर तुमने अपनी फिक्रों को बड़ा न किया। बिल्कुल आखिरी साल चल रहे हैं, मैं अपनी जुबान से कहते हुए रुकता हूं, फिर जी चाहता कह डालू। 2023 और 24 ये दो साल वो हैं जिसमें 24 और 25 भी शायद शामिल हो, लाशों को गिन नहीं पाओगे। एक एक कब्र में 50-50 100-100 मुर्दों को दफन करना पड़ेगा। ये हो रहे हैं हालात आने वाले, नहीं जागोगे तुम, तौबा नहीं करोगे सच्ची, मफहूम इस्लाम के पूरे मफहूम के साथ अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करोगे।